जनता की दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के निवारण हेतु भारत राष्ट्र समिति दक्षिण नागपुर के तत्वावधान से बड़ा ताजबाग क्षेत्र स्थित अवलिया नगर में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जहां वार्ड के आवाम की विभिन्न समस्याओं का निवारण किया गया। दर्शकों, रोजमर्रा की जिंदगी में जनता की कई समस्याएं होती है जो कि दस्तावेजों से जुड़ी होती है, और दस्तावेज सही तरह से न होने के कारण कई योजनाओं का लाभ वह नहीं ले पाते हैं। कुछ इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत राष्ट्र समिति दक्षिण नागपुर द्वारा बड़ा ताजबाग क्षेत्र स्थित अवलिया नगर में यहाँ एक कैंप बुलाया गया है, जाकि वार्ड की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है दस्तावेजों से जुड़ी। इस वक्त हम मौजूद है अवलिया नगर में। दरअसल भारत राष्ट्र समिति द्वारा आयोजित इस वार्ड समस्या निवारण जनता दरबार का नेतृत्व जिला समन्वयक बीआरएस रविंद्र खोबरागढ़ ने किया, जहां संजय पुले दक्षिण नागपुर समन्वयक के सहमति से और प्रेम मुंदाफड़े सह समन्वयक दक्षिण नागपुर इनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन बीआरएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता नासिर खान ने किया था। इस समय बड़ी मात्रा में स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके विषय में जानकारी दी नासिर खान ने। देखिए, आज हम लोगों ने बीआरएस पार्टी के माध्यम से दक्षिण नागपुर में आज पहली ओपनिंग भी है बीआरएस पार्टी के माध्यम से समस्याओं को लेके, और पीएम की जो रोजगार की योजना थी 10,000 रुपये देने के लिए, वो हम लोगों ने बड़े ताजबाग में परिसर में, और यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के इस परिसर के बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, और कई लोगों ने उस रोजगार का उस योजना का उसमें फ़ायदा भी बढ़ चढ़ के उसके अंदर में उठाया गया। और आने वाले वक्तों के अंदर में बीआरएस पार्टी इवन पूरे दक्षिण नागपुर से नहीं, पूरे नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में इसके अंदर में हम लोग एक ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं बीआरएस पार्टी से कि हर एक वार्ड में जो भी समस्या रहेंगी उस समस्या का निवारण हमारी बीआरएस पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। दर्शकों, साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शबनम खान जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये योजनाएं लागू की गई है और किस प्रकार से आज क्या मजमा रहा है। मजमा तो अच्छा ही था, सब चीज़ अच्छी हुई है। सब बहुत सारी लेडीज़ों को वो लेडीज़ों ने यहाँ फॉर्म भरे हैं 10,000 का जो लोन मिला है उसके लिए, कोई सिलाई वालों ने, कोई कपड़े सीने वालों ने, कोई मजदूरों ने, हर लोगों ने यहाँ पर अभी खाता खोला है 10,000 रुपये। हमने भी खोले हैं, हम भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं मोदी जी का, और हमारा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, हमारे ताजबाग का भी फ़ायदा होना चाहिए, इसमें हर चीज़ में हमको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। महिलाओं से जुड़ी किन समस्याओं का निवारण? महिला से जैसे बेरोजगार महिला है यहाँ पर, यहाँ कोई काम नहीं है, कोई घरों का काम कर रहे हैं, कोई गरीब गुरबा, कोई कचरा उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इससे अच्छा ये लोन जिसको भी मिलेगा, कोई कपड़े का बिजनेस करेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई कुछ कोई भी कारोबार करेंगे यहाँ के लोग, उसका फायदा ही तो उठाएंगे ना। गौरतलब है कि इस समय स्थानीय जनता ने आयोजित जनता दरबार का खूब समर्थन किया, और नासिर खान द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले यह शुभकामनाएं दी। देखिए, ये जो काम शुरू हुआ है बीआरएस पार्टी की तरफ से, तो सोशल वर्क गरीब की कहीं ऐसी परेशानियां होती है जो सरकार द्वारा योजनाएं तो होती है लेकिन उसको पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है आम आदमी तक, तो आम आदमी तक ये सब चीज़ों को और जो सरकार की सुविधाएं हैं योजनाएं हैं उनको गरीब आदमी को, गरीब तबके को उसका फ़ायदा हो, इसलिए ये मुहिम शुरू की गई है। अब टाइम लगेगा लेकिन शुरुआत तो हो गई है, क्योंकि बाकी के इसके पहले जो चीज़ होती थी, कई लीडर होते थे, कई कुछ होते थे, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त हमारे पास आते थे, लेकिन हमने बगैर चुनाव के और बगैर वोटिंग के किसी लालच में हमारी जो पार्टी की परंपरा है और जो भी नीति है इसको आगे बढ़ाने के लिए इस मुहिम को शुरू किया है, और इससे गरीब तबके का भला होगा, फ़ायदा होगा। जो भी 10,000 रुपये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, कुछ तो शुरुआत होगी उसकी लाइफ की और कुछ तो उसके लाइफ में अच्छा होगा और आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी उसकी, कोई बिजनेस वगैरह शुरू कर सकेगा और वो इसका फ़ायदा उठाएगा। हम और भी सोशल वर्क करने की कोशिश करेंगे हम हमारी पार्टी की तरफ से और बीआरएस पार्टी की तरफ से, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे और गरीब तबके को इसका फ़ायदा मिले, हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बात की नासिर खान जी से, साथ ही साथ हमारे साथ शबनम बाजी ने भी बात की, जिस प्रकार से भारत राष्ट्र समिति द्वारा जिस प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, जहाँ की हमने देखा इस प्रकार से कहीं ना कहीं समस्याओं का निवारण, वार्ड की समस्याओं का निवारण होने जा रहा है, तो देखते हैं आगे इसका क्या असर पड़ता है और किस प्रकार से समस्याओं का निवारण भारत राष्ट्र समिति द्वारा, भारत राष्ट्र समिति अंतर्गत लिए जाने वाले इन कैंप से होता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।